ये स्काडा रूम है, यहीं से कंट्रोल होती है पूरे प्लांट की मूवमेंट। जितना आपको दूध पैक करना है वो यहाँ पे पैक किया जाता है। ऊपर पास्टराइज्ड मिल्क हमारा स्टोर रहता है, वो ग्रेविटी के थ्रू इन मशीनों में आता है। इस समय हम अयोध्या की पराग डेयरी में यहाँ पर खड़े हुए हैं। हमारे साथ हैं इस डेयरी के जनरल मैनेजर श्री ए के श्रीवास्तव जी, और जिनसे हम जानना चाहेंगे कि ये अयोध्या की जो साकेत डेयरी है, जिसका पहले नाम साकेत डेयरी था, अब इसको पराग डेयरी के नाम से जानते हैं, ये एक्चुअली यहाँ की ज़रूरत के हिसाब से क्या प्रोडक्शन कर रही है और कौन सी नई टेक्नोलॉजी की मशीनें यहाँ लग रही हैं, आगे इसका डेवलपमेंट क्या होना है। जिस तरह से राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, यहाँ पर भीड़ बढ़ती जा रही है, तो लोग आएंगे तो उनको कितनी ज़रूरतें पड़ेंगी दूध की, उसको पूरा करने के लिए ये डेयरी कितना कितना और एक्सटेंशन करेगी और क्या अगला प्लान है, इसके बारे में हम खुद इनसे पूछते हैं। फिर सर बताइए क्या क्या है आपका प्रोजेक्ट इसका अगला, जो भीड़ को देखते हुए जो आ रही है। भीड़ को देखते देखिए, पहले जो हमारा प्रोसेसिंग प्लांट पुराना था वो लगभग 20,000 लीटर प्रतिदिन क्षमता का, वर्तमान में ये हमारा जो नया प्लांट बना हुआ है ये 50,000 लीटर क्षमता का हो गया है, जिससे कि जो हमारे अयोध्या धाम में आने वाले जो श्रद्धालु हैं उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हम पूरी तरीके से करने में सक्षम होंगे। सक्षम इस प्रकार से भी होंगे कि जो हमारा रेगुलर प्रोसेसिंग होता है मिल्क का, वो तो हो ही रहा है, और हमारे इस डेयरी में एक नया सिस्टम यहाँ पे हो रहा है जो पूर्वांचल में अभी फ़िलहाल किसी डेयरी में नहीं है। यूएसटी प्लांट भी हमारे यहाँ स्थापित हो रहा है। उस यूएसटी प्लांट में जो हम दूध की पैकिंग करते हैं वो 90 दिनों तक हम सुरक्षित रख पाएंगे। इससे क्या होगा कि जो हमें आवश्यकता रहेगी हमें दूध की, जिसमें हमारे डिमांड की बढ़ने की आवश्यकता है, जैसे रामनवमी है या हमारे जब मेला सावन के मेला वगैरह चलते हैं उसमें जो दूध की आवश्यकता बढ़ जाती है, उसके लिए पहले से ये दूध को हम संरक्षित करके रख सकेंगे, जिससे आवश्यकता की पूर्ति हम तत्समय कर सकें। अच्छा, इससे तो आपका ट्रांसपोर्टेशन और काफ़ी दिनों तक इसका सेल पे अच्छा असर पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, हमारा जो यूएसटी प्लांट अगर से जो पैक हमारा मिल्क रहेगा, उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हम उसको लंबे दूरी को भी भेज सकते हैं, और कहीं भी आवश्यकता पड़ती है एक बड़े डिमांड को लेकर के हम उसकी आवश्यकता को पूर्ति करते हुए बाहर के धन आगमन को अपने ज़िले में कर सकते हैं, जिससे ज़िले के उत्पादकों का, ज़िले के लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा विकास कर सकेंगे और हमारे एक इनकम भी हमारे ज़िले के बढ़ेगी। अच्छा, कोई और ऐसा दूध है जो आपके इस टक्कर का यहाँ पर बिकता है? बिकने के लिए तो अमूल आता है, लेकिन वो यहाँ बनने वाला कोई दूध नहीं। अच्छा, सभी लोग बाहर से बना के लाते हैं, और वो निश्चित रूप से जो बाहर से ला रहा है उसके दूध कितने दिन का है। हमारा दूध तो आज जो हमारा मिल्क कलेक्शन हुआ फ्रेश रहता है, फ्रेशनेस की तो गारंटी ली जा सकती है। सबसे बड़ी चीज़ आपके ज़िले का जो उत्पाद है निश्चित रूप से वो बिल्कुल फ्रेश रहेगा। कितना पर डे कितना उत्पादन है? देखिए, हमारे जो मंडल का है वो लगभग 35,000 के आसपास है, और हम लीटर, और हम इस समय वर्तमान में हमारे पास इस प्लांट के शुरू होने के पश्चात गोंडा हमारा जो पराग दुख संघ है और जो बस्ती का पराग दुख संघ है, दोनों का दूध यहाँ पर आ रहा है, जिसको हम प्रोसेसिंग करके उनको सप्लाई भी दे रहे हैं। उनकी पैकेजिंग की सप्लाई जो मार्केट सप्लाई है वो हम उसकी आपूर्ति यहीं से कर रहे हैं। तो कुल कितना हो जाएगा? जो लगभग हमारा हम 25,000 लीटर आसपास प्रतिदिन की सप्लाई कर रहे हैं सबको मिला करके, और हमारा जो कलेक्शन होता है दोनों सबको मिला करके, इसकी क्षमता तो 50,000 है, हम क्षमता से ज़्यादा का उपयोग इसमें कर रहे हैं। अच्छा, थोड़ा सा बताइए कैसे प्रोसेसिंग इसमें होती, पूरा सिस्टम क्या काम करता है ऑटोमेटिक जो आपका है? ये हमारा सारा सिस्टम ये फुल्ली ऑटोमेटिक प्लांट है, ये स्काडा तकनीक से लैस है। ये स्काडा तकनीक के तहत ये है कि हमारा दूध एक बार रिसीव होने के पश्चात सब कुछ कंट्रोल से ऑपरेटेड, हमारा सारे वाल्व जितने वो कंप्यूटर के थ्रू ऑपरेटेड हैं, कंप्यूटर के थ्रू कंट्रोल होते हैं, जिसमें कहीं एक्सपोजर नहीं मिलता दूध को, जिससे हाइजीनिक कंडीशन बहुत ही उच्च स्तर की है। अच्छा, जितना ज़रूरत आपके कर्मचारियों की, स्टाफ की, क्या उतनी है आपके पास? देखिए, लेबर कैटेगरी की तो पूर्ति हो जाती है, लेकिन जो हमें तकनीकी स्टाफ की आवश्यकता है वो अभी उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही, उसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं कि ज़्यादा जल्दी से जल्दी हम लोगों को स्टाफ की पूर्ति हो। अच्छा, आगे के दिनों में और कौन सी एक्सटेंशन चाहते हैं? कि देखिए, ये कोऑपरेटिव बॉडी है, यदि राज्य जिले के लोगों का सहयोग मिलता रहा, यहाँ की मार्केटिंग बढ़ती रही, तो हम निश्चित रूप से बहुत से ऐसी मशीनें हैं जिसको हम लोग अपने स्तर से यहाँ पर लगा करके अच्छे गुणवत्ता का उत्पाद भी उपलब्ध करा पाएंगे, जैसे कंटिन्यूस दही मेकिंग मशीन है, और हमारे यहाँ बहुत भी मिठाइयाँ भी बनती हैं, रसगुल्ला बनता है, गुलाब जामुन बनता है, पेड़ा बनता है, मिठाइयाँ बनती है, उनके लिए भी जो एडवांस तकनीक मशीनें होती हैं उनको लगा करके हम उत्पाद की अच्छी गुणवत्ता का हम मार्केट में सप्लाई कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा किसकी सेल है, जितने प्रोडक्ट आपके बनते हैं? सबसे ज़्यादा सेल तो हमें दही और मट्ठे की होती है यहाँ पे। अच्छा, और मिठाइयों की भी होती है, और खीर हमारा सबसे अच्छा जो बिकने वाला उत्पाद है वो छेना खीर जो है वो बहुत बिकता है यहाँ पे। लिक्विड मिल्क जो बिकता है लोकप्रिय सबसे ज़्यादा वही छेना खीर सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है। और आपको जान के खुशी होगी कि किसी ज़माने में सबसे पहले छेना खीर का प्रोडक्शन
फैजाबाद उपसंघ से ही शुरू हुआ था जब पराग डेयरी यहाँ पे पुरानी वाली चला करती है। आपकी क्या परिकल्पना है कि आप क्या चाहते हैं, और कुछ कर पाए हैं? हमारी परिकल्पना तो यही है कि जो ये प्लांट है इस ज़िले का एक नवीन प्लांट है और एक मेव बहुत बड़ी एक इंडस्ट्री के रूप में यहाँ पर स्थापित है। जनता ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करेगी, इसका ज़्यादा से ज़्यादा कोऑपरेटिव का लाभ होगा, अगर तो हम यहाँ से जो भी लाभ होगा निश्चित रूप से कोऑपरेटिव का है, दुग्ध उत्पादकों को जाएगा, किसानों का हित होगा, जो सरकार की मंशा है कि किसानों का आय दुगनी हो, तो एक बहुत बड़ा साधन दुग्ध व्यवसाय बन सकता है जिससे हम उनकी आय को दुगनी कर सकते हैं। बहुत अच्छा है। श्रीवास्तव साहब ने हम लोगों को काफ़ी साकेत डेयरी के इसके साकेत डेयरी जिसको पराग डेयरी कहते हैं उसके बारे में बहुत विस्तृत जानकारी दी। धन्यवाद श्रीवास्तव। नमस्कार।